नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। सिद्धार्थनगर के बीएससी की अभद्र भाषा पर जिले के पत्रकारों में रोष दिखाई दे रहा है। बता दें कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पत्रकार के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और इसी वजह से पत्रकार नाराज हैं। नाराज पत्रकारों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र पांडे को बर्खास्त करने की मांग की है और इसी मामले में डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया। बता दें कि 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है और अधिकारी पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां नाराज पत्रकारों ने किया है जोरदार हंगामा। जहां अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने की वजह से पत्रकार काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में डीएम ने कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया और बता दें कि 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और अधिकारी पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। हरदोई में व्यापारी समाज के सम्मेलन में भाजपा के कदवार नेता पहुंचे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर व्यापारियों से समर्थन लेने की कवायद है। सम्मेलन की कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन, राज्य मंत्री महेश चंद गुप्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने संबोधित किया। नेताओं ने भाजपा की खूबियां गिनाई और व्यापारियों के हितों की सरकार की योजना को अवगत कराया। यह कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि सरकार ने व्यापारियों के भले के लिए ढेरों काम किए हैं। इसी के साथ टीईटी पेपर लीक मामले में आशुतोष ने कहा कि सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। जब उनका पिछला कार्यकाल था तो कितनी बार माननीय न्यायालय ने इंगित किया और उन्होंने दुर्भावनाओं के साथ उनकी सरकार ने परीक्षाओं में हेरफेर किया था। ये हमारी सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। जैसे ही पता लगा कि पेपर में कुछ लीक हुआ है, तुरंत उस पेपर को स्थगित किया गया और दोषियों को तुरंत जेल भेजा गया, गिरफ्तार किया गया और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है और छात्रों से बिना कोई शुल्क के जल्दी उनकी दूसरी परीक्षा कराई जाए। पूरे प्रदेश का विकास करेंगे, पूरे प्रदेश में जो भी आस्था के केंद्र हैं। रायबरेली में जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यकर्तियों ने हंगामा किया है और वेतनमान न मिलने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। कार्यकर्तियों का कहना है कि वो तकरीबन कई विभागों का काम करती हैं, बदले में उन्हें 5500 रुपए का मानदेय मिलता है। 2017 में सरकार बनने के साथ ही उनका मानदेय बढ़ाए जाने का वायदा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा हाल ही में 1500 रुपए की बढ़ाए जाने का वायदा किया गया था और कार्यकर्तियों का ये भी कहना है कि वो कई विभागों में काम करती हैं और लेकिन उन्हें सही पैसा नहीं मिलता है। हम लोगों की कोई मांगे नहीं, जो सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी 120 दिन के अंदर न्यायोजित मानदेय देंगे और जो है हम लोगों का मानदेय वृद्धि होगा। हमारी जो बहनें रिटायर हो गई जिसका कोई प्रोसेस नहीं था, ये सरकार आई तो प्रोसेस निकाल दिया। मतलब हम लोग परेशान हो चुके हैं कि गवर्नमेंट वादा करती है, वादा निभाती नहीं है। वो 120 दिन का वादा भी चला गया, उसके बाद कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1500 रुपया बढ़ाई थी, वो 1500 रुपया भी चला गया। अभी जल्दी जल्दी जो है बजट आया था, उसमें हुआ कि हम लोगों को मानदेय जो है बढ़ा हुआ मिलेगा 1500। अब उस मानदेय को भी उन्होंने प्रोत्साहन राशि में कर दिया, जिसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं। हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, अगर देना है तो मानदेय दीजिए और बढ़ाई को देखते हुए, ये महंगाई को देखते हुए दीजिए। हम बहनों के भी बच्चे हैं, लड़कियाँ, हमको भी उनको पढ़ाना है, घर चलाना है। अभी मात्र हम लोग को 5500 मिलता है और आप 1500 बढ़ाए, उसको भी प्रोत्साहन राशि कर दिया और प्रोत्साहन राशि को भी आपने जो उसका मानक कम कर दिया, उसको आपने 500 कर दिया, वो भी हम पोषण टेकर ऐप पर जब काम कर। अंकुश शुक्ला हत्याकांड के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। गोरखपुर में सपा नेता और वरिष्ठ समाज सेवी पवन सिंह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। सपा नेता ने न्याय दिलाने की बात करते हुए पीड़ित परिवार को 1 लाख की आर्थिक सहायता दी और प्रदेश सरकार पर जमकर हमका बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार कहती है कि कैराना में हम पलायन कर चुके हैं, लोगों की वापसी कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके गृह जनपद गोरखपुर में एक परिवार अपराधियों से भयभीत होकर घर बेचने को मजबूर है। आखिर कब तक मासूम लोगों को ये सब परेशानी झेलनी पड़ेगी? आज हम सभी लोग अंकुश शुक्ला को न्याय दिलाने के लिए गोरखपुर तारामंडल स्थित भगत चौराहे के समीप रामपुर टप्पा गांव में इनके आवास पर आए हुए हैं। विगत कुछ दिनों पूर्व 24 तारीख को यहां पर अंकुश शुक्ला की कुछ आतताइयों द्वारा बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। उस हत्या का फोटो आप इतनी निर्ममता पूर्वक किया गया था कि आप अगर देखना चाहे तो नहीं देख सकते हैं।
उस नौजवान साथी को, 17 वर्षीय नौजवान साथी को जो कि कक्षा 11 में पढ़ता था, बहुत ही मासूम सा चेहरा था, अपने परिवार का दुलारा था, ऐसे ही अंकुर शुक्ला की कुछ आतताइयों द्वारा निशंस हत्या कर दिया गया। उसके बावजूद भी प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। आज सूबे के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज पूरे उत्तर प्रदेश से कैराना से लगाया तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये महेंद्र भैया है, श्री महेंद्र नाथ शुक्ला जी, और ये अपराधियों के डर से अपना मकान बेचने की बात कर रहे हैं। आज आगामी 2022 में चुनाव है, यह महेंद्र भैया आप इनके आंसुओं को देख सकते हैं कि विगत रोते रोते इनके आंसू सूख गए हैं। माता जी, ताजनगरी आगरा के थाने मलपुरा 5 साल की मासूम बच्ची की दरिंदगी के बाद हत्या की घटना ने आगरा पुलिस को हिला के रख दिया है। बता दें कि मलपुरा थाना क्षेत्र के मीणाकोर इलाके में शादी समारोह के दौरान 5 साल की बच्ची अचानक गायब हो गई थी, जिसकी सूचना परिजनों ने इलाका पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के जरिए 5 वर्षीय मासूम बच्ची का शव खून से लथपथ खेत के बरामद हुआ। इस घटना के बाद क्षेत्र अधिकारी के साथ स्वयं एसएसपी आगरा सुधीर कुमार सिंह भी मौके पर पहुंच गए। एसएसपी आगरा का कहना है कि 5 वर्षीय मासूम की दरिंदगी के बाद हत्या के मामले में पुलिस को कुछ सबूत मिले हैं। फिलहाल एसएसपी आगरा सुधीर कुमार सिंह ने इस प्रकरण पर कड़ी कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी किए हैं। कड़ी दौलता गांव में खड़े हैं, थाना मलपुरा क्षेत्र के। एक बच्ची की डेड बॉडी यहाँ पर मिली थी। तो ये बच्ची एक शादी यहाँ पर हो रही थी, उसी में बच्ची शादी में थी और वहाँ से ये शाम को गायब हुई थी, रात को गायब हुई थी। जब घर वाले सुबह तक नहीं मिली तो पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस और गांव वाले सर्च ऑपरेशन चलाया, तो उसमें ये जो सरसों का खेत है उसमें बच्ची की बॉडी मिली। बच्ची की बॉडी को पंचायत में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें कुछ मर्डर के संबंध में कुछ क्लू भी मिले हैं जिस पर टीमें रवाना की गई हैं। बहुत खबर मैनपुरी से है, जहां एक ट्रक ड्राइवर और उसके मालिक की तरफ से बासमती चावल की 560 बोरी कीमत को गबन कर लिया गया था, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसकी तहरीर मिल मालिक अमित अग्रवाल के थाने में दी गई थी। और पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत अनाज का गबन करने वाले को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार करते हुए सफलता हासिल की है और ट्रक चालक को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने चोरी किए गए अनाज की बोरी को भी बरामद कर लिया है। 20 नवंबर को एक ट्रक लगभग 28 टन बासमती चावल लेकर दिल्ली के किसी गंतव्य पर रवाना हुआ। इसको 22 तारीख को पहुंच जाना चाहिए था, नहीं पहुंचा। भेजने वाले मालिक ने बताया कि साहब ये ट्रक नहीं पहुंचा, लगातार उन्होंने संपर्क किया, कोई संपर्क नहीं हो सका। इस सूचना पर इन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया। तभी से हमारी दन्नाहार की पुलिस इसमें लगी हुई थी। आज सकुशल ट्रक और ट्रक का ड्राइवर और पूरा माल, 100% माल की बरामदगी करते हुए उस अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हमीरपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने 2 LED मोबाइल वैनों को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोनों एलईडी वैन जिले के दोनों विधानसभाओं में 31 दिसंबर तक घूम घूम कर मतदाताओं को जागरूक करेंगी। इसी के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद वासी से अपील की गई है कि एक जागरूक मतदाता बने और आगामी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, जिससे कि जनपद का मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। तो बहन आई है जिस पर हम लोग स्वीप कार्यक्रम के तहत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारी दो विधानसभाएं हमीरपुर और राठ, दोनों विधानसभाओं में एक एक वाहन रवाना हो गया। इस पर मशीन भी रहेगी हमारी, हमारा मास्टर ट्रेनर भी रहेगा, इनका पूरा प्लान बना दिया गया है और पूरी सिक्योरिटी के साथ 2 सशस्त्र गार्ड उसकी सुरक्षा में रहेंगे। और जो कार्यक्रम बना है ये जगह जगह जाएंगे, पब्लिक प्लेसेस पर अपना डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। जो जानना चाहेगा कि वोट कैसे किया जाता है, वोटिंग का सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट है। बलिया में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दिनेश विश्वकर्मा पर सभासद ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिशासी अधिकारी दिनेश विश्वकर्मा पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। इस मामले में डीओ लेटर के जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगरौत की ओर से भेजा गया था। सभासद का आरोप है कि नगर पालिका को ईओ ने पालिका को नगर पालिका बना दिया।
और इस मामले में प्रदेश सरकार को भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई। मैं आज बलिया नगर पालिका कैंप में उन्हें गली से बुला रहा था, क्योंकि कई मामले थे। जैसे हमारे वार्ड में जो है, आप लोग को जानकारी होगा कि 2018 में स्वच्छ वार्ड प्रतिस्पर्धा में पूरे आजमगढ़ मंडल में प्रथम स्थान आया था, 11.5 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिला था, लेकिन ईओ द्वारा और चेयरमैन द्वारा, और ख़ास तौर से, यानी मैं आपसे क्या बताऊं कि जिले की स्थिति क्या आप लोग जानते हैं, वो पैसा जो है भ्रष्टाचार कर लिया गया। लगभग 1.5 करोड़ रुपया, मुझे अभी जानकारी चला है कुछ दिन पहले, 1.5 करोड़ रुपये गलत तरीके से निकाल के जो है, जो मेरे वार्ड के लिए था, आप लोग को जानकारी होगा कि कुछ दिन पहले ही, करीब 20 दिन पहले, जिले के लिए भी सम्मान की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश में यानी बलिया में आशा की किरण के रूप में मेरे वार्ड को चुना गया था। लेकिन इन लोगों द्वारा जो है स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे नगर पालिका की कई जन समस्या है, जैसे आप देख रहे हैं, मिट्टी देख रहे हैं, चौक देख रहे हैं, आनंद नगर देख रहे हैं, काजीपुरा देख रहे हैं, आज पूरी नरक की स्थिति। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि दबंग हर रोज घरों में घुसकर मारपीट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का खौफ दबंगों के दिलों में दिखाई नहीं दे रहा। यही कारण है कि मारपीट की घटना हर रोज सामने आ रही है। ताजा मामले में दबंगों ने एक परिवार को खूब परेशान किया और परिवार की महिलाओं से पैसे और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद दबंग फरार है और दूसरी तरफ पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। सर, क्या घटना घटी थी आपके साथ? घटना घटी, मैं अपने घर पर था, तभी कॉलोनी के कुछ दबंग लोगों ने मुझ पर अचानक हमला कर दिया। घर में घुसकर मुझे मारपीट की, हमारी पत्नी से और बच्चे से मारपीट की, और उन्होंने वहाँ पर मुंसिपाल की पत्नी से चैन, मंगलसूत्र और एक कान का कुंडल छीन लिए। वहाँ रामवीर सिंह यादव, उनकी पत्नी गायत्री देवी व उनका पुत्र भोलू यादव नितिन व कुलदीप यादव कृष्णा और उसके दो अन्य साथी जो बाहर से उन्होंने बुला रखे थे, वो 4-5 लोगों ने मिलकर हम पर हमला किया था और वो लोग ये सब सामान छीन कर ले गए, है ना, और रिपोर्ट की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बुलंदशहर में विवादित टिप्पणी करते हुए पूर्व विधायक गुड्डू पंडित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व विधायक पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि जिले में केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार के चेयरमैन गिरिराज सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया और विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एमपी सिंह, उनकी बेटी की शादी का समारोह था, उसमें मैं जब पहुंचता हूँ लगभग 4:30-5 बजे के बीच की वैसे रहा होगा ये, तब ये मान्यवर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ पे पहुँचते हैं। कौन थे? जिसमी जय भगवान गुड्डू पंडित उनका नाम है, पूर्व विधायक है, और उनका जनरली ये है, हर जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ इसी तरह से हमारे नेताओं को, उनको सबको दुर्व्यवहार के साथ वो बातें करते हैं। इसी के सापेक्ष उन्होंने वहाँ जाने के बाद में हमारे कुछ एक कार्यकर्ता उससे उसका हालचाल पूछा है, और हालचाल पूछने के बाद में तुरंत उन्होंने जो शब्द बोले मैं वही शब्द आपके सामने बोलूँगा कि योगी मोदी को आप लोगों ने बाप बना रखा है। मैंने उसको बीच में टोका, मैंने भाई आप शादी समारोह में हैं, आपको इस तरह का व्यवहार यहाँ पर नहीं करना चाहिए, आप सम्मानित व्यक्ति, आपको इस तरह का व्यवहार यहाँ पर नहीं करना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने, मैं वो शब्द कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकता जो शब्द उन्होंने हमारे नेताओं को, जिन लोगों की प्रेरणा से हम काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, उनके लिए जो शब्दों का उपयोग किया है वो किसी भी। रायबरेली में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने भूसे की बोरियों में छिपा कर ले जा रहे 1 क्विंटल गांजे की खेप पकड़ी है। पुलिस ने बताया कि तस्कर गांजा तस्करी का उड़ीसा से सुल्तानपुर ले जाया जा रहा था और हाईवे पर वाहनों की चेकिंग के दौरान गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और क्लीनर समेत सुल्तानपुर से 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज थाना डलमऊ एवं स्वाट टीम के द्वारा 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लगभग 1 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि ये उड़ीसा से इस गांजे को कम दरों में खरीद कर लाकर यहाँ इसका दाम बढ़ाकर इसको बेचा करते हैं, और इनके पास से जो ट्रक था जिसमें कि ये भूसा लाद कर ले जा रहे थे, उसके अंदर से ये गांजा बरामद हुआ है। इनके पास जो बिल्टी पाई गई वो भूसे की थी, इसी के आड़ में ये गांजे की तस्करी करते हैं।
जब इनकी रात में चेकिंग हुई थी तो इनके पास जो बिल्टी थी वो गैर प्रदेश की थी, जिसके आधार पर इन पर शक हुआ और इनकी चेकिंग की गई और इनके पास। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।